चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। यहां पर बातचीत किया जाएगा आपसे सीटेट पर्यावरण के यहां पे प्रैक्टिस सेट पर, और यहां पर हम लेते हैं यहां पे प्रश्न को, यहां पे प्रश्न नंबर 11 जो कि इसकी श्रृंखला 10 तक हमने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में करा दिया था, बात करेंगे 11 पे और कह रहा कि खेल विधि का सही अर्थ क्या है। तो एक कह रहा कि बालक की मनोरंजन की इच्छा की पूर्ति मात्र करना, दूसरा कह रहा बालकों को खेल के माध्यम से पूरी स्वतंत्र स्वाधीनता प्रदान करना, तीसरा कह रहा बालकों के खेल की प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हुए लाभप्रद शैक्षिक परिणाम निकालना, और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि बालकों के इच्छा की पूर्ति मात्र तो कभी हो नहीं सकता, तीसरा कह रहा पूरी की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करने भी, इसलिए यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या 3 आपका सही आंसर है कि बालकों की खेल प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हुए शैक्षिक परिणाम निकालना या लाभप्रद शैक्षिक परिणाम निकालना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पे, कह रहा कि विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप है, विचार विनिमय, तो सबसे पहले हम समझेंगे विचार क्या होता है। ये भावनाएं हमारी होती हैं, हमारे अंदर की जो भावनाएं होती है वही हमारा क्या कहलाती है, विचार कहलाती है। दूसरा शब्द हम समझेंगे विनिमय क्या है, तो विनिमय इकोनॉमिक्स क्षेत्र का शब्द है जिसका मतलब होता है आदान और प्रदान, आदान और प्रदान। तो साहब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे इस संबंध में बात करें तो एक कह रहा है चित्रण, चित्रण का मतलब दिखाई दे रहा है, उधर से केवल सूचनाएं आ रही है, सी तो ये नहीं होगा, चित्रण आपका नहीं होगा। दूसरा कह रहा है प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट भी तो उसी तरीके का होता है, तो यह भी हमारा परफेक्ट नहीं है। तीसरा कह रहा प्रदर्शनियां, ये भी हमारा विजुअल यहाँ पे होता है, केवल देखा जा सकता है। सेमिनार क्या होता है, सेमिनार में किसी विषय विशेष पर विभिन्न प्रकार के विद्वानों या विभिन्न लोगों के द्वारा अपने अपने भाव या अपने अपने विचारों को प्रकट किया जाता है, इसलिए विचार विनिमय संबंधी जो क्रियाकलाप है वहां सही आंसर 2 आपका सेमिनार होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 13 है कि पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्य होना चाहिए, एक कह रहा है कि व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए, नेक्स्ट कह रहा है अस्पष्ट होना चाहिए, और नेक्स्ट कह रहा है अनिश्चित होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान देंगे साहब कि पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सके, तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के क्रम में, और प्रश्न नंबर 14 है कि प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए, दूसरा कह रहा बालकों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने के लिए कहा जाए, और नेक्स्ट कह रहा छात्रों के प्रश्न उत्तर स्वयं सोचकर देने के लिए कहा जाए, चौथा कह रहा छात्रों के स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। तो यहां पर ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए, ये तो गलत है, और ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पर पूरा पूरा एकदम निगेटिव सेंटेंस है। अब दावपेच फंसा 2 और 3 में, कह रहा बालकों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए, और तीसरा कह रहा कि छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोच कर देने के लिए कहा जाए। तो यहां पर देखिए, अगर हम 2 और 3 की तुलना करें तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोच कर देने के लिए कहा जाए। अगर वो ऐसा करते हैं तो बालकों की चिंतनशीलता और उनकी जो जिज्ञासा होती वो उभर करके बाहर आती है, और बालक अपने वातावरण परिवेश में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न नंबर 15 पे, और प्रश्न नंबर 15 है कि एक विज्ञान शिक्षक को कक्षा 6 विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूह में क्रियाकलाप कराने की योजना बनाती है, समूह का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन गुण किन गुणों के आधार पर करेगा, कह रहा कि विद्यार्थियों को भूमिका का आदेश देना और उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना, दूसरा कह रहा मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह में सबसे पहले कार्य कर लेगा वो, तीसरा कह रहा है योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना, और चौथा कह रहा है कि भूमिका चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना और समझाना। तो यहां पर ध्यान देंगे साहब कि सबसे परफेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 कि बालक को उसकी योग्यता के अनुसार भूमिका दीजिए और उन्हें प्रोत्साहित करते रहिए कि वे सभी
सभी बालक समूह के सदस्यों के साथ आपसी सौहार्दपूर्ण संबंध बना करके कार्य को पूरा करें। इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पर, और प्रश्न नंबर 16 है कि पर्यावरणीय प्रदूषण पर दिया जाने वाला दत्त कार्य निम्नलिखित में से या असाइनमेंट किस प्रकार के छात्रों की सहायता करेगा। कह रहा पर्यावरणीय प्रदूषण पर बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचार का निर्माण करने, उस पर संवेदनशीलता जागृत करने का अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दत्त कार्य छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागृत करता है, और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषण पर गृह कार्य तथा कक्षा में अभ्यास कार्य के रूप में दत्त कार्य छात्र में जागरूकता का विकास करता है, और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। कह रहा पर्यावरणीय प्रदूषण पर बच्चों को सूचना खोजने, मतलब उनके वातावरण में उनको क्रियाशील करने, फिर अपने विचार का निर्माण करने, क्रियाशील होंगे तो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण करेंगे और उसके आधार पे वे उसके प्रति जागरूक होंगे या संवेदनशीलता जागृत होगी करने का ये अवसर प्रदान करता है। हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर यहाँ पर हम आएंगे 17 के क्रम में। प्रश्न नंबर 17 है कि आपके विद्यालय में ऐसे छात्र भी पढ़ते हैं जो अपने घर वालों का धनार्जन में हाथ बटाते हैं, इसलिए ये छात्र पढ़ाई, गृह कार्य आदि यथोचित ध्यान नहीं दे पाते, तो ऐसे बच्चों के साथ आपका क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि आप कक्षा में उन्हें प्रताड़ित करेंगे, उनके सम्मुख उनके माता पिता को बुरा भला कहेंगे और उनके लिए कक्षा का व्यय नहीं जुटा पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा करें कि उनके सामाजिक व आर्थिक स्तर पर उपहास करते हुए उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए कहेंगे, और नेक्स्ट करें उनकी क्षमता पर संदेह करते हुए उन्हें हतोत्साहित करेंगे, चौथा करें कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे और प्रोत्साहन एवं सहायता देकर उनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे ये होगा सही आंसर कि ऐसे बच्चों को साहस और सहारा दोनों देते हुए समाज में उनके शैक्षिक उपलब्धि को प्रोत्साहित करते ऊपर उठाने की आवश्यकता होती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 है कि वाद विवाद पद्धति से छात्रों में किस प्रकार का विकास होता है। एक कह रहा है कि तर्क शक्ति का विकास होता है, दूसरा कह रहा है आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, तीसरा कह रहा है निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, और चौथा कह रहा है कि इन सभी का विकास होता है। तो साहब देखिए, तर्क शक्ति का विकास तो साहब होता ही है, अगर हम कहें आलोचनात्मक चिंतन का तो यह भी होता है, निर्णय लेने की क्षमता तो यह भी होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 पे, और प्रश्न नंबर 19 के क्रम में ध्यान देंगे कि एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता है, तो गृह कार्य देने से छात्र पढ़ेंगे, गृह कार्य से छात्रों की प्रगति की जांच की जा सकेगी, छात्रों को व्यस्त रखना आवश्यक है, या कह रहा है कि गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित हो सकेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होता है। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक को जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं उस पाठ को अंश या छोटे भाग में आप बालकों को दीजिए जो उनके पर्यावरण से जुड़ता हो, और ताकि बालक उसको उसके वास्तविक परिवेश में ले जा करके समस्या का समाधान करें और वहाँ पर वो अपने अक्रियाशीलता, अपनी संवेदनशीलता इत्यादि को बढ़ा सकें। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 पे, और प्रश्न नंबर 20 है आपका कि विद्यार्थियों में खेल कूद की भावना का विकास तीव्र हो सकता है यदि खेल कूद पर विद्यार्थियों के परीक्षा में अंक दिए जाएं, केवल खेलने के बाद विद्यार्थियों को फल आदि खाने के लिए दिया जाए। नेक्स्ट कह रहा है स्कूल में विद्यार्थियों को खेल कूद के पर्याप्त अवसर दिए जाए और अभिप्रेरणा के नियमों से जोड़ा जाए, और कह रहा है उपरोक्त सभी। तो साहब यहाँ पर ध्यान देंगे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि स्कूल में सभी विद्यार्थियों को खेल कूद के अवसर प्रदान करने चाहिए और वहाँ पर अभिप्रेरणा के नियम से जोड़ना चाहिए, मतलब बालकों को और भी अधिक मोटिवेट और प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 20। तो दोस्त यहाँ पर हमने बात किया आपसे सीटेट पर्यावरण में यहाँ प्रैक्टिस सेट पर, और आपसे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू।